For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आस्था और मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी प्रभात। रिसेंटली रिलीज हुआ है थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ग्रैंड ट्रेलर। डेफिनेटली भाई ये ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, लेकिन वहीं पे कई लोगों को ये ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। वैसे बता देते हैं कि ट्रेलर आने से पहले पहले जैसे इस मूवी का ऐलान हुआ था और जैसे ही ये बात सामने आई थी कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे दो बड़े मेगा स्टार इस मूवी में साथ आने वाले हैं भाई, तभी से फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। टीजर रिलीज हुआ था, रिसेंटली पोस्टर्स रिलीज हुए थे, बहुत पसंद आए लोगों को, लेकिन ट्रेलर के ऊपर थोड़ी सी तनातनी बनी हुई है। कुछ फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया है तो कुछ ने इसे तंगा दे दिया है कॉपीड का, यानी कि हॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का। बता देते हैं कि इसके बावजूद भी ये इस मूवी का ट्रेलर जो है 5 से 6 कंट्रीज में ट्रेंडिंग पर है। कैनेडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और हमारे भारत में भी इस मूवी का ट्रेलर सुपर डुपर हिट तरीके से ट्रेंडिंग पर चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह के रिव्यूज सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए मेरे जो साथी हैं प्रभात, उनका थोड़ा सा अलग परसेप्शन है। एक्चुअली सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। कुछ कॉपीड कह रहे हैं तो कुछ अलग अलग तरह के रिव्यूज दे रहे हैं। इस बात को लेकर प्रभात मेरे साथ जो मौजूद है वो कहना चाहते हैं कुछ अलग सी बातें जो शायद आपने नोटिस नहीं की होंगी। प्रभात, क्या कुछ अच्छा लगा आपको इस रिव्यू के अंदर? देखिए दोस्तों, थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी अपकमिंग फिल्म है जिसका ट्रेलर कल लॉन्च हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आमिर खान की कोई भी आने वाली फिल्म हो या उसका ट्रेलर हो या उसका पोस्टर हो, हमेशा एक चर्चे में रहता है और चर्चा होती है हमेशा नेगेटिव थॉट्स से। नेगेटिव थॉट्स चाहे पीके के पोस्टर को आप ले लो या थग्स ऑफ हिंदुस्तान के आप ट्रेलर को ले लो, लेकिन जब फिल्म आ जाती है तो लोगों का परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वही लोग आमिर खान की तारीफ करते नहीं करते, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैंने ट्रेलर देखा थग्स ऑफ हिंदुस्तान, मुझे बहुत बेहतरीन लगा क्योंकि जिन लोगों को मैं अपना आइडल मानता हूँ, आमिर खान और खुद अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ एक पर्दे पर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इस मूवी में, पहली बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दरअसल ये थग्स ऑफ हिंदुस्तान है क्या? दोस्तों थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक जो ये स्टोरी बेस्ड है, ये स्टोरी बेस्ड है कन्फेशन और थग्स नॉवल से जो कि 1839 में फिलिप मैडॉ टेलर ने लिखी थी। मोटिव ये था, उन्होंने ये दर्शाया था कि आज़ादी से पहले का जो हिंदुस्तान था उसमें कुछ ऐसे ठग्स होते थे, ऐसे लुटेरे होते थे जो अंग्रेज़ों को लूटते थे फिर उन्हें मार देते थे। इन लुटेरों का खौफ अंग्रेज़ों के मन में इतना हो जाता था कि अंग्रेज़ों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी इन ठग्स को पकड़ने के लिए, इनको मारने के लिए। उसी बिल्कुल एक सच्ची कहानी पर निर्धारित ये फिल्म बनाई है। आदित्य चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया है और विजय कृष्ण आचार्य ने इसकी स्टोरी को लिखा है और बकायदा डायरेक्ट किया है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर, इतना बड़ा ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसके बारे में और एक्टिंग के बारे में बताती हैं आस्था मैम से, पूछते हैं आस्था मैम बताइए। सी प्रभात, अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो ऐसा लगा कि आमिर खान जिसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं उनको कम्प्लीटली ओवरशैडो कर दिया बिग बी ने, यानी कि अमिताभ बच्चन ने। डेफिनेटली एक ठग के रोल में आमिर खान ने काफी प्रैक्टिस की थी, हमें वो उनका तरह तरह का जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में नजर आ रहे हैं वो हमें अच्छे तो लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ढक दिया है अमिताभ बच्चन की ज्यादा स्ट्रांग रोल ने। वहीं बात करें कैटरीना की तो हमने कुछ कमेंट्स पढ़े थे रिव्यूज में, हमें ये देखने को मिला है कि कैटरीना को एक बार फिर से एक फ्लावर पॉट की तरह सजा दिया गया है मूवी के अंदर। वहीं फातिमा शेख जिनकी बहुत तारीफें की जा रही थी, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इस मूवी में, तो ट्रेलर में फातिमा शेख मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए हमें नजर आए। वहीं अमिताभ बच्चन के तो कहने ही क्या है, डेफिनेटली को हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ को पूरे ट्रेलर के अंदर कुछ ज्यादा ही दिखा दिया गया। देखिए आस्था मैम, मैं आपको बता दूं और अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ट्रेलर को एक ट्रेलर की तरह ही लीजिए, अभी फिल्म आई नहीं है। जब आप फिल्म देखेंगे आई एम डैम श्योर कि फातिमा का रोल भी काफ़ी निखर कर सामने आएगा। वहीं अगर आमिर खान की बात की जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन ने उनको ठग दिया है, क्योंकि जब जब ट्रेलर की स्क्रीन पर आमिर खान दिखे उनकी एक्टिंग में उनकी परफेक्शनिस्ट वो मिसाल दिख रही थी कि उन्होंने किस तरह से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आस्था मैम,
इस कैरेक्टर में आने के लिए आमिर खान ने स्पेशली अपनी पूरी बॉडी पियर्सिंग कराई, उसमें वो रहे और उन्होंने अपने बाल और अपनी दाढ़ी भी बढ़ाई उस पंजाबी गेटअप लुक के लिए। वो बाहर से ही नहीं अंदर से भी अपने आप को तैयार करते हैं, वो जब भी कोई मूवी किसी भी मूवी के लिए काम करते हैं और उसका नतीजा स्क्रीन पर हम सबको कैमरे के सामने दिखता है। लेकिन प्रभात, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपको लगता नहीं है कि जैसे फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि आमिर खान लग रहे हैं जैक स्पैरो की तरह, क्या कहेंगे उस पर? आई मीन कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली कह दिया है कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो आमिर खान का जो रोल है, एक तरह से उन्हें पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उनके कॉस्ट्यूम से लेकर उनके एक्सप्रेशन तक लेकर वो कम्प्लीटली जैक स्पैरो है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। अब ये तो मूवी ही बताएगी कि आमिर खान ने खुद या तो अपने आप को फॉलो किया है, और अगर किसी के मार्गदर्शन पर चले भी होंगे तो वो इतने परफेक्शनिस्ट पे होंगे कि मतलब हमें वो सोचने पे मजबूर कर देंगे अपनी एक्टिंग को लेकर के। मैं 100% आप मुझे आज लिखवा के ले लो, मैं कोई भी ये नहीं कह सकता मूवी देखने के बाद कि आमिर खान ने 100% जैक स्पैरो को कॉपी किया होगा। बट स्टिल मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, अगर हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी को कॉपी करे, ही इज अ स्टाइल आइकॉन, ही इज अ एक्टिंग आइकॉन, तो अगर आमिर खान जैसा एक्टर कॉपी कर रहा है तो वो उसके फैंस को निराश नहीं करने वाला है? जी, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल निराश करने वाला है, क्योंकि आमिर खान अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं, वो किसी को कॉपी नहीं करते, वो उनका एक स्टाइल आइकन है। ये तो ट्रेलर को देखने के बाद लोगों का परसेप्शन है, जिस तरीके का विजुअलाइजेशन ट्रेलर में हुआ है, वो उसे कंपेयर कर रहे हैं, वो हॉलीवुड से उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो जैक स्पैरो से उनको कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ मुझे विजुअलाइजेशन से ये कंपैरिजन लग रहा है, और बॉडी लैंग्वेज से भी कि आमिर खान इस सिचुएशन में कि ये जैक स्पैरो जैसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं तो उन्होंने इनको कॉपी किया है। कॉपी का टाइटल मुझे लगता है उन्हें नहीं देना चाहिए, बहुत कुछ नया है जो अभी मूवी में आने वाला है। 200 करोड़ की लागत से ये मूवी बनी है और मुझे नहीं लगता कि ये फैंस को निराश करेगी। मैं प्रभात, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी, आई एम सो सॉरी, कि 200 करोड़ में गाइस ये मूवी बनने वाली है, आई मीन बन भी चुकी है, ट्रेलर हो चुका है डेफिनेटली, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी एज इन मुझे तो नहीं लगा कि 200 करोड़ कहीं पे खर्च किए गए, एज इन मुझे ना कॉस्ट्यूम लगी इतनी ज़्यादा हाइप जो थी, जो हाइप मचाया जा रहा था, जैसे कि हम अगर VFX की बात करें तो गाइस कहा जा रहा था कि बाहुबली से भी डबल अच्छे, या फिर कहें कि 10 गुना कुछ फैंस ने कहा था कि बहुत अच्छे VFX होंगे, बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बाहुबली का कंपैरिजन मुझे थग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ कहीं भी नजर नहीं आता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितने अच्छे बाहुबली कंक्लूजन वाले जो VFX थे, उतना ज्यादा जो लेवल है वो मैच नहीं कर पाई थग्स ऑफ हिंदुस्तान इन द ट्रेलर। आस्था मैम, मैं आपको क्रॉस करना चाहता हूँ और आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान की जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं, VFX टीम है और जो टेक्निकल टीम है, वो सब हॉलीवुड से आए हैं, जिसका साफ इफेक्ट हमें ट्रेलर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभात, बाहुबली के कंपैरिजन में स्टिल जो वो सब कुछ था जो VFX थे, वो हमें डाउन लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये मैम आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हम सिर्फ अभी रिव्यूज दे रहे हैं, वो तो मूवी बताएगी कि बाहुबली से लोगों को कितनी अच्छी लगी है और कितनी खराब लगी है, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर आप देखो ट्रेलर को तो मुझे ऐसा लगता है कि जो VFX है उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, अगर हम एक्टिंग की बात देखें, एक्शंस की बात देखें, तो अमिताभ बच्चन, आई बेट यू आपने ऐसे रोल में अमिताभ बच्चन को, ऐसे एक्शन में उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज कहीं नहीं देखी होगी जैसे कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर में दिखाई गई है। बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही यूनिक और एकदम परफेक्ट। अमिताभ का जो ये कॉस्ट्यूम है, जो जिस अटायर में अमिताभ नजर आ रहे हैं, आपको याद दिलाना चाहूंगी प्रभात, शायद आप भूल गए हैं कि झूम बराबर जो मूवी आई थी अमिताभ की अभिषेक बच्चन के साथ, जिसमें वो इसी अटायर में इसी कॉस्ट्यूम में दिखे थे, वही उसी तरह का कुछ हेयर स्टाइल था, उसी तरह के उसी तरीके से कैरी किया था अमिताभ ने खुद। मैम, कॉस्ट्यूम की बात तो कॉस्ट्यूम होती है, जो रोल में जो जान डालती है वो होती है एक्टिंग। एक्टिंग के मामले में भी एक्सप्रेशंस हो, वॉइस हो, और कैरेक्टर हो, कैरेक्टर इनबिल्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे अमिताभ बच्चन और आमिर खान का स्क्रीन पे, मतलब जो ये जोड़ी है विलन और हीरो की, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखने लायक मूवी। मैं तो ज़रूर जा रहा हूँ देखने, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़रूर जाएं देखने। 8 नवंबर को मूवी रिलीज़ हो रही है थग्स ऑफ हिंदुस्तान,
इन नियर बाय योर सिनेमा। प्रभात ने जितने भी पॉइंटर्स बताए हैं एज वेल जितने मैंने भी बताए हैं, उन सबको एनालाइज कीजिए, सोशल मीडिया पर फैंस के रिव्यूज को भी थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिए और जरूर देख के आइए एक बार थग्स ऑफ हिंदुस्तान। भाई खुद को भी तो पता लगना चाहिए कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो कुछ दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है तो कुछ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही जल्द मिलेंगे इस फिल्म के रिव्यू को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.